नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। कैसे लॉकडाउन में आप अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं और खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं। आप जानते हैं, एक बहुत बड़ी थेरेपी है कि आप सारे गैजेट्स छोड़ करके फैमिली टाइम स्पेंड करें, बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके उनसे थोड़ी देर बात करें। कितना समय हो गया आपने अपनी बच्चों की आंखों में आंखें डाल करके उनसे उनके दिल की बात नहीं सुनी है। या तो हम उन्हें हमेशा स्कोल्ड करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने गैजेट्स में व्यस्त रहते हैं और हम अपने में। पर आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस नो फिजिकल एक्टिविटी टाइम में आप अपने बच्चों को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। आप बहुत परेशान हैं, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, बच्चों की एक्सरसाइज नहीं हो रही, तो आज मैं बहुत सुगम से योगाभ्यास आपको ऐसे बता रही हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, और आप खुद भी कीजिए और अपने बच्चों को भी कराइए। कुछ अभ्यास इसमें थोड़े से ऐसे जटिल हो सकते हैं जो बच्चे आसानी से कर लेंगे, पर एडल्ट्स के लिए जिन्होंने कभी योगा अभ्यास नहीं किया थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो ये अभ्यास आप बच्चों को ज़रूर कराइए, उससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी। अगर मोटापा बढ़ रहा है घर पर बैठे बैठे तो वो दूर होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही वो दूर होगी, ब्लड का सर्कुलेशन जो मोस्ट ऑफ द टाइम, सी हर वक्त आपका बच्चा या तो ऐसे मोबाइल यूज़ कर रहा है, या ऐसे लैपटॉप यूज़ कर रहा है, या ऐसे कमर के बल लेट करके टीवी देख रहा है, कहीं ना कहीं उनके जो पॉस्चर है, पॉस्चरल डिफेक्ट हो रहा है। उस पॉस्चरल डिफेक्ट को ठीक करने में ये तीन क्रियाएं बहुत बहुत कारगर हैं। मेरे साथ हैं देवी प्रत्यक्षा, जो आपको हमारे साथ साथ ही अभ्यास करके दिखाएंगी, ताकि आपको पता लगे कि बच्चों के लिए अभ्यास करना कितना सुगम है। प्रत्यक्षा आपको खड़े होकर के करके दिखाएंगी और हम आपको बैठ करके करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से इसको करना है। बच्चे खड़े होकर के करें तो ज़्यादा बेहतर है, और खड़े होकर के भी करें, बैठ करके भी करें तो सर्वोत्तम है। बच्चों के क्योंकि घुटनों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता, वो उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तो बेहतर होता है कि वो इसे जंप के साथ करें, क्योंकि इस वक्त ये क्रियाएँ करने का हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बच्चे फिजिकली एक्टिव रहें। और खेल खेल में हम उन्हें, गुरुदेव कहते हैं कि योग मस्ती बड़ी सस्ती, तो बहुत आसानी से मस्ती में उनको ये योगाभ्यास करा सके। तो इस तरह से हम सीधे खड़े होंगे, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। यहाँ पर होती है हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स, और आप देख रहे हैं माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर पड़ेगा। तीन चीज़ें एक साथ करनी है, यानी सांस भरते हुए हाथों को उठाना, या आप सांस भी भर लिया हाथों को भी उठा लिया और शरीर को भी हवा में ले जाएंगे, सांस भी छोड़ देंगे हाथ भी वापस ले आएंगे और बॉडी को भी नीचे ले आएंगे। एक बार देखिए कैसे करेंगे, हम बैठ करके दिखा रहे हैं, खड़े होकर के स्टार्ट करते हैं। पूरा सांस छोड़ देंगे, हाथों को ऐसे फैला देंगे साइड में, और फिर डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल। तीन बार कंप्लीट डीप ब्रीदिंग करके हाथों को वापस लाके आपस में ऐसे मिला देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे, प्रयत्न शैथिल्यम, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। ये जो आपने विरेचन गति का अभ्यास किया, 50 एक्सलेशंस का एक राउंड, और आप इसके 5 से 6 राउंड्स तक बहुत आसानी से बच्चों को करा सकते हैं। उनका अगर मोटापा बढ़ रहा है घर पे तो वो भी दूर होगा, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, माइंड कंट्रोल होगा, ब्रेन की कैपेसिटीज़ बढ़ेंगी, हाइट बढ़ेगी, यानी लाभ ही लाभ है। दूसरा अभ्यास बहुत ही सुगमता के साथ हम करते हैं, और भुजंगासन, जिसको सर्पासन भी कहते हैं, उसके लिए हम इस तरह से अपने पेट के बल लेट जाते हैं और हाथों को अपने सीने के पास कंधों के नीचे रख देते हैं। सांस भरते हुए चेहरा उठाएंगे, सीना उठाएंगे, पूरा उठ जाएंगे जितना उठ सकते हैं। ये तो हम एडल्ट्स की तरह, बच्चे जब करेंगे तो पैरों को भी ऐसे उठा सकते हैं। ये इस स्थिति में आ जाना, जितना पीछे जा सकते हैं जाना, पैरों को अपने सर से छूने की कोशिश करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना, हाथों का ऐसे तकिया बना लेना, पैरों को खोल लेना, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। ये बहुत सुगम आपने किया भुजंगासन का अभ्यास, जिसको हम सर्पासन भी कहते हैं। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। यहीं से हम करेंगे चक्रासन का अभ्यास, और इसके 2 एंगल्स दिखाने के लिए देवी प्रत्यक्षा सर इधर करके करेंगे और हम सर उधर करके करेंगे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसका अभ्यास दोनों एंगल से कैसे होता है। तो इस तरह से कमर के बल लेटना, पैरों को फोल्ड कर लेना, यानी जितना हो सके अपने हिप्स के पास लाना पैरों को, फिर पैरों को खोल देना, हाथों को इस तरह से फोल्ड करके अपने कंधों के नीचे टिका देना, और फिर सांस भरते हुए हम हिप्स को उठाएंगे,
कमर का आर्क बना लेंगे, सर को ढीला छोड़ देंगे। जितनी देर यथा सामर्थ्य रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर धीरे धीरे से वापस आ जाएंगे। बच्चे इसको बहुत सुगमता से कर सकते हैं। अब आप ऐसे अपने कमर के बल लेटे रहेंगे और जब उठेंगे तो हमेशा करवट लेके उठिएगा, आप लेटे रहिए इस तरह से। और यहाँ से हम करेंगे कर्ण पीड़ासन का अभ्यास। ये तो बच्चों का फेवरेट होता है। क्यों फेवरेट होता है? क्योंकि जब इन्होंने अभी बैकवर्ड बेंडिंग किया तो उसके बाद उनको फॉरवर्ड बेंडिंग होना भी ज़रूरी है। कैसे करेंगे कर्ण पीड़ासन? थोड़ा सा नीचे हो जाइए आप, ये अब करके दिखाइए। ऐसे पैरों को उठाना और सर के पीछे ले जाना और इस तरह से दोनों पैरों के बीच में उनका फेस आ जाएगा। बच्चे इसको बहुत मस्ती से करते हैं। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, लेटे रहिए, रिलैक्स हो जाइए। इन तीनों क्रियाओं का अभ्यास तीन तीन बार आप कर सकते हैं। शिशु गति के अभ्यास के लिए हम इस तरह से घुटनों के बल आ जाते हैं। पीछे आ जाओ थोड़ा सा, घुटनों के बल आ जाते हैं और जैसे छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता है हंसते हंसते, ऐसे हमें करना है। इससे बच्चों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर पूरा का पूरा प्रेशर पड़ेगा, यानी हमारे दोनों हाथों पर पूरा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ता है और उनकी कमर की एक्सरसाइज होती है, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जब खुश होकर के इसे करते हैं तो वो बहुत अच्छा भी अनुभव करते हैं। कैसे? जितनी बड़ी एरिया उनके पास है उसमें उन्हें कराइए। फिर इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएं और हम इस वक्त प्रत्यक्षा का फेस देख सकते हैं, बिल्कुल रेड हो गया है और हमारा भी हो गया है। क्योंकि जब आप अट्टहास करते हैं और इस पोजीशन में क्रॉल करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी फेस की तरफ होता है और आप खूबसूरत भी होते जाते हैं और स्वस्थ भी होते जाते हैं। तीसरा काम बहुत ही सुगम है जो है अट्टहास का अभ्यास, यानी योगा लाफ। प्रत्यक्षा आपको खड़े होकर के दिखाएंगे, इधर पीछे आ जाओ, और हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं कैसे अट्टहास। सभी लोग इसका अभ्यास दिन में 5 से 6 बार ज़रूर करें अगर वो चाहते हैं उनकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, वो स्वस्थ रहें, उनका कंप्लीट फिजिकल और मेंटल हेल्थ बना रहे। तो इस तरह से हम हाथों को खोल लेते हैं साइड में और सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर, हाथों को वापस ले आते हैं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, आंखों को बंद कर देते हैं। लेट द ब्लड फ्लो इन योर इंटायर बॉडी, अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो हम अनुभव करते हैं और फिर आंखें धीरे धीरे से खोल लेते हैं। तो इन आसान सी क्रियाओं का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। ये ध्यान रखें कि इस वक्त आपके बच्चों को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो उनको गैजेट फ्री करने के लिए, ये नहीं कि आप खुद भी मोबाइल उनके सामने यूज़ करें और उनको कह रहे हैं कि मोबाइल यूज़ ना करो, ऐसा वो कैसे हो सकता है? क्योंकि बच्चे तो जो देखते हैं वो सीखते हैं, इसलिए आप भी गैजेट फ्री रहिए और जितना हो सके मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ ज़रूर बिताइए। दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखें हैं वो, उनकी आँखों में आँखें डाल करके थोड़ी देर उनसे बात कीजिए, उनके दिल की बात कीजिए। आपको भी ये थेरेपी के रूप में काम करेगा और उनके लिए भी।